एक और प्रयोजन वार्तिकार है, तीसरी चतुश्री गीब विदेह है, तीसरी चतुश्री गीब विदेह है, तीसरी और चतुश्री त्वम गीब विदेह अनिमित्तम भवति, रेंडे पे गीब प्राप्त हो जाएगा ना, त्री को तीसरी आदेश हो स्त्रीलिंग में, चतुर को चतुश्री आदेश हो जाता है स्त्रीलिंग में, आदेश होने के रिदन तत्वात रेंडे पे गीब से गीब प्राप्त होता है और उसको अपने सन्निपात परिभाषा से रोक देंगे। क्वा जैसे दृष्टान दिया तिस्रस्तिष्ठन्ति चतस्रस्तिष्ठन्ति प्रयोग है, यहाँ पर तीसरी चतुश्री भावी कृदे रिंडे प्यो रिंडे प्यो गीप यदि गीप प्राप्त होती सन्निपात लक्षण इधर निमित्तम तद विकास यदि न दोषो भवती, गीप होगा क्या रिदंत खत्म हो जाएगा और रिदंतत्व खत्म हो जाएगा और ना होवे इसे गीप को सन्निपात परिभाषा रोक देगा। तब कहते हैं पूर्व पक्षी ये तो भी नास्ति प्रयोजन, ये भी प्रयोजन नहीं है भाई, आचार्य प्रवृत्ति रेव ज्ञापयति, आचार्य जी प्रवृत्ति ज्ञापन कर देता है, यहाँ तीसरी चतुश्री में गीप नहीं होता। ये कौन सा क्यों ने सूत्र बनाए ना, न तीसरी चतुश्री ऋकार को दीर्घ आदेश निषेध किया उसे ज्ञापन से गीप नहीं होता है, यदि गीप होता दीर्घ निषेध करने क्या जरूरत है, नाम के नुट होगा ना, नाम कर दीर्घ गीप व स्वयं दीर्घ है और दीर्घ निषेध करने की जरूरत ही नहीं, जैसे नदी नाम बनाते हो बहुचरे सी नाम बनाते हैं जरूरत ही नहीं निषेध करने की। इसे कहते हैं कि न तीसरी तीसरे भावे कृते गीप भवति, तीसरी तीसरे भाव करने पर गीप नहीं होता ये बात ज्ञापन हो गया, कैसे यदया न तीसरी चतुश्री थी नामी दीर्घत्व से प्रच्छेद शास्त्री, नामी से प्राप्त हुए दीर्घ का प्रच्छेद कर दिया एक ज्ञापन करता है, रिदंत ही रहता है और ह्रस्वरी को प्राप्त दीर्घ को निषेध कर दिया, इसका मतलब उस रिदंत को गीप नहीं होता। प्रदीपा ननो समस्तार्थम एतत् स्यात् प्रिय तीसरी नाम ब्राह्मणानाम इति यदयमिति, न तीसरी नामी दीर्घत्व से प्रषेधम शास्ती उस पर बोल रहे हैं, ननु समस्तार्थम में तस्यात्, यद्यपि ये जो सूत्र विशेष है न तीसरी तीसरी का समस्त के लिए मैंने समास में ही काम करने के लिए, जैसे दृष्टांत क्या है प्रिय तीसरी नाम ब्राह्मणानाम, प्रिय है तीन औरतें जिस जिन आदमियों को उन ब्राह्मणों को कहते हैं प्रिय तीसरी नाम, वहाँ दीर्घ निषेध करने के लिए अत्री अंगम पुंसी वर्तते यदि नास्तिकीप प्राप्ति, इसलिए यह अंग या अंग संज्ञा है और पुल्लिंग है वहाँ पर जो है प्राप्त ही नहीं होता, इति गीप की प्राप्ति नहीं है तो निश्चित करने के लिए क्या सन्निपात परिभाषा लगाना व्यर्थ हो जाएगा, इति के चित कुछ लोगों का कहना है लेकिन तदयुक्तम वह कहना ठीक नहीं, क्यों नहीं गीप विधाने अंगाधिकारो अस्ति, किरणे पे और गीप सूत्र से गीप जो विधान हो रहा है वो चार एक का है, वह अंगाधिकार कहाँ है, ये कैसे कहा पूर्व किसी ने जो कहा गलत कहा, इसके लिए गीविधन अंगाधिकारो न ही अस्ति तत्र अवयवस्य स्त्रीत्व वृत्तित्वात् गीप प्राप्ति, व अवयव स्त्रीत्व में विद्यमान होने के नाते चाहे समास करो चाहे समास न करो उभय दशा में गीप प्राप्त है, केन वार्यते उसको कौन वारण कर सकता है, यही न द्वारा ज्ञापन हुआ, इति ज्ञापकम एव ज्ञापकादेव च सिद्धत्वात् स्वसरादिषु अनयो पाठो न कर्तव्यो भवती, ज्ञापक से सिद्ध होने के कारण से स्वसरी आदियों में ये तीसरी चतुश्री गणने की जरूरत नहीं है। अब एक और प्रयोजन बताएं फिर चलो प्रयोजन भाष्य, इमान इतरी प्रयोजनानी इनका खंडन नहीं करेगा पूर्व पक्षी, अब जो प्रयोजन देंगे इनका खंडन नहीं करता है, क्या प्रयोजन है शतानी सहस्राणी, शतानी शब्द क्या हो गया जिसके पढ़ते हुए नुमागम हो गया, शतन नांत हो गया, नांतों से षट संज्ञा, षट संज्ञा षट विलुक से लुको नार प्राप्त था सन्निपात परिभाषा ने उसको रोक दिया, शतानी सहस्राणी नुमी कृते शांताशत षट संज्ञा प्राप्नोती, और षट संज्ञा कोई बात दिया षट संज्ञा ही नहीं होगा, सन्निपात लक्षण विधिर निमित्तम तो विकास थी न दोषो भवती, विभक्ति सन्निपात निमित्त नुम आगमा, क्योंकि नुम जो आगम होता है विभक्ति निमित्त के शी सर्वनाम स्थानम है और शी की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगा तो नुम ही नहीं होगा, विभक्ति निमित्तकता नुम और नुम ने क्या करेगा नाम तत्व षट संज्ञा और अपना निमित्त जो विभक्ति है इसी को लुक कर देगा षट को लुक से वह न हो वे इसे सन्निपात परिभाषा सफल हो गया, विभक्ति सन्निपात निमित्त नुम आगम षट संज्ञा हेतु कस्य विभक्ति लुको न निमित्तम, इसे षट संज्ञा हेतु जो विभक्ति लुक के प्रति वो निमित्त नहीं होगा, शांता षड इति
అంతగ్రహణం ఔపదేశిక ప్రతిపత్త్యర్థం ఇది అత్ర న భవిష్యతి చేత్ ఇది కోయి కహే అరే శాంతా షట్ శాంత్ నాంత్ ఔపదేశికులుగా ఏ సప్తన్నష్టన్నవన్ ఔపదేశిక దశంత ఏ సబ్ ఔపదేశిక నాంత్ ఔపదేశిక నాంత్ కాయి సంఘ షట్ సంఖ్యా కరేగా ఐసే కోగెత్తో ఏ తో ఔపదేశిక హైని అత్ర న భవిష్యతి యా ప్రాప్తి నీ హోగి ఉస్కి ఇతి అత్ర ఇతి చేత్ తత్సంఖ్యా ప్రత్యయ సంప్రత్యార్థం బహురీయర్థం తత్స్యతి అదోష తగ్గత ఐసా నీ ఔపదేశిక నీ లేనే కే లియే కింతు కిస్కే లియే హై వో దో బతా ఏక్ తో సంఖ్యా ప్రత్యార్థం సంఖ్యా కా బోధ కరానా ఔర్ దూసరా బహురీ సమాస్ కర్నే పర్ భీ షట్ సంఖ్యా కర్నే కే లియే హై వో అతి ఉస్కా ప్రయోజన అన్య హోనే కే నాతే యహాన్ పర్ ఔపదేశకతా కా బోధ కరా నీ సక్తా నాంతత్వ ఏక్ కహతే హై ఇతి అదోష ప్రయోజన భాష్యం ఇక షకటౌ పద్ధతౌ షకటౌ పద్ధతౌ యహాన్ పర్ క్యా హో గ్యా గితి రస్వశ్చ సూత్ర ఉస్సే క్యా కరేంగే హమ్ ఘీ సంఖ్య వికల్ప్ సే ఘీ సంఖ్య క్యా అనే సే క్యా హోగా అచ్చగ్గే లగేగా అకార్ హో జాయేగా అకార్ హో గ్యా ఉస్ స్థితి మే కరే వహాన్ పర్ యది ఉస్కో ఆపనే క్యా కరేంగే అజాతితష్టా అబ్ అదంత్ హో గ్యా నా అదంత్ హోనే అజిష్టాప్ హోనా చాహియే और टाप यदि करेंगे वो घी संज्ञा निमित्तक जो अत्र था वो अत्र से जिस स्थिति में टाप कर लगेंगे उसका निमित्त ही नष्ट हो जाएगा। अतएव हमें क्या करना है कहते वहाँ टाप न करें, इसके लिए सन्निपात परिभाषा लगाना है। शकटौ पद्धतौ अत्वे कृते, अत्वे मैंने अच्छे सूत्र के द्वारा अत्वे कृते अतः मैंने अजात दृष्टाप में अतः है ना अजन सफर में टाप अजात अतः वो अतः को ले अतः टाप प्राप्नोती प्राप्त हो जाएगा। सन्निपात लक्षणों की निमित्त स्थिति न दोषो भवती तब दोष नहीं होगा सन्निपात पर रोक देगा उसको। विभक्ति सन्निपात कृतम अत्वम क्योंकि अत्व आपने कैसे किया था विभक्ति को निमित्त मान करके या अच्छा कहा लगता है घी को घी संज्ञा जहाँ पर है वहाँ घी को जो सप्तमी का घी है उसको औ करेगा तत्सन्निपात ही अत्व करेगा और हम टाप करेंगे तो क्या हो जाएगा अत्व निवृत्त हो गया ओ भी निवृत्त हो जाएगा। स्वनिमित्त का विघात हुआ कि नहीं हुआ निमित्त का पाए निमित्त का से पाओ या प्रातिपदिक की पद्धति है पद्धति नी हाँ तो वह पद्धता औ हाँ दत्ता औ बनेगा ना घी को औ हुआ घी को औ हुआ अति के इकार को अकार हो गया अकार को हम टाप कर देंगे टाप करें तो क्या होगा टाप कहाँ से अदन आजाते तो स्टाप स्त्री पक्ष है ना पद्धति शब्दस्त्रीलिंग में है ना शकटी शब्दस्त्रीलिंग में प्रयोग कर रहे हो ना स्त्रित्व क्या अदंत मिलते ही टाप आ जाएगा टाप आकर्षण दीर्घ हो जाएगा निमित्त पाए निमित्त का सब उपाय हो जाएगा उसका भी नाश हो गया तो फिर सत्य में क्या हो जाएगा आम आ जाएगा ये राम नद्या नीपिया आवन तत्व औ खत्म हो जाएगा वो सारा खत्म हो जाएंगे ना स्वनाश स्वनिमित्त का नाश कर देगा वो इसे टाप को होने नहीं देना है हमने कैसे होने नहीं दोगे ते परिभाषा रोक देगा ये इनका कहना है वही कह रहे हैं कि विभक्ति सन्निपात कृतम अत्वम यदि टापो निमित्तम स्यात् यदि अत्व टाप के प्रति निमित्त हो जाएगा तो आनंतरिम विहन्येत जो आनंतरित भाव था वही नष्ट हो जाएगा निमित्त खत्म हो गया निमित्त खत्म हो जाएगा। शास्त्रीय च कार्य अंतादिवत भाव न आनंतरीय लौकिके अब कहोगे अब कहेंगे पूर्वांत भाव लगा दूंगा पूर्वांत भाव लगा देंगे और टाप में क्या हो जाएगा आकर्षण दूर हो जाएगा पूर्वांत भाव करेंगे तो अत्व ही रहेगा अत्व रव ही रहेंगे आनंतरी बना रहेगा कुछ भी नाश नहीं होगा। यदि ऐसे कहोगे कते नहीं हो सकता क्यों ये जब कहाँ लगेगा वो शास्त्रीय कार्य होगा तो अंतर्जोद्भाव होता है लौकिक कार्य में नहीं हो सकता ना आनंतरीय लौकिक और आनंतरीय लौकिक कैसा है भाई प्रकृति और प्रत्यय में आनंतरीयता शास्त्रीय नहीं है लौकिक है। पूर्व भी आया था ना प्रकृति प्रत्यय विभाग ही लौकिक हमने किया हुआ है कल्पना किया हुआ है व्याकरण शास्त्र ने शब्द साधुत्व सिद्धि के लिए प्रकृति पर विभाग की कल्पना की है ये लौकिक कल्पना है। अच्छा लौकिक आनंतरीय पद्धति और घी में लौकिक आनंतरीय इस आनंतरीय की सिद्धि के लिए आप अंताधिवच लगा करके प्रयोग नहीं कर सकते। यदि शास्त्रीय आनंतरीय होता शास्त्र ने विधान किया होता तब तो मान सकते थे लेकिन यहाँ शास्त्रीय ना क्यों शास्त्रीय कहाँ पर है और टाप के बीच में और सेपरेट टाप हुआ वहाँ जो टाप विधान किया वह आनंतरी शास्त्री है और ओ में शास्त्री नहीं बनता ये इनका कहना है।
कि प्रत्यय कृत कार्य है। आपने क्या कहा, टाप करने से क्या होगा, अकार है और औकार में व्यवधान हो गया। अब तब पूर्व पक्षी ने कहा व्यवधान नहीं रहेगा, क्यों, हम अकर्षण धीर कर देंगे, धीर कर देंगे क्या होगा, पद्धता सकट्टा हो गया, और उसमें हम क्या करूँगा, पूर्वांत भाव कर दूंगा। अत्वा गना दीर्घ होने पर भी हमें अत्व मिल गया, मिला नहीं, जब मिल गया अब वह क्या हो जाएगा, अनंतरी हो जाएगा, अव्यवहित हो जाएगा। हमें इतना ही दिखाना है अकार और अवकार में जो अव्यवधान था सूत्र के द्वारा विहित होने पर अच्छज्ञ से वो बाधित नहीं हो रहा है, ताप करने पर भी वो अव्यवधान यथावत विद्यमान है, उसके लिए वो अंतर्वच ले रहा है। तब हम कहते ये नहीं हो सकता क्योंकि और औ के बीच में जो आनंतरिया है वह पद्धति और गीप का आनंतर ही है, और वो आनंतर कैसा था, लौकिक था, शास्त्रीय नहीं है। अतएव ये जो अंतर्वच सूत्र लगता है शास्त्रीय आनंतरी की सिद्धि के लिए है, लौकिक आनंतरी के लिए नहीं है, ये इसका खंडन कर रहा है। आगे और स्पष्ट कर रहे थे अच्छे रीति तपर करण ना अच्छ्य अच्छ जो कहा गया है वहां पर क्या है, अत्यव अच्छ तपर करण किया ना, तपर करण से क्या बन हो रहा है, फल मिल निकल गया आपका। कहते अच्छे तपर करण ना आप यत्र टाप निवर्ती तुम शक्य थे, विधि सामर्थ्य देव टाप हो गए ही नहीं तो अति विधान करते, ये टाप करना इष्ट ही था आविधान कर देते, इन ह्रस्व बोल करके तपरकरण कर्म सामर्थ्य देव ताप दीर्घ सब निवृत्त हो जाएगा। इधु तोर ही स्थाने मात्र के वकारो भविष्यति, चाहे इतुत के स्थान में कर लो आप तो भी एक मात्र का कार्य तो आदेश होना है। भाव्यमानत्वाद्वा सवर्ण से आकार ग्रह को न भविष्यति, और विद्यमान होने के कारण से भी सवर्ण दीर्घादि प्राप्त ही नहीं था वैसे भी। इति लक्षणांतरेणापि प्राप्त से दीर्घत्वस्य निराकरणार्थम तप्रकरणं संपद्यते, इसे सूत्रांतरों से प्राप्त होने वाला दीर्घ, सूत्रांतर कौन है, ताप करके प्राप्त होने वाला अकर्षण दीर्घ आदि को भी निवृत्त करने के लिए तप्रकरण किया हुआ है, उसी के द्वारा जब समाधान हो सकता था तो फिर यहाँ फिर भी आपने क्यों कहा, फिर तब दे फिर भी यहाँ टाप प्राप्ति हो रही है, ये कहने का अभिप्राय है सन्निपात परिभाषा का प्रयोजन दिखाने के लिए। ये शोष एक और प्रयोजन बता रहे, इसका भी पूर्व खंडन नहीं कर पाएगा। ये शोष गुणे कृते इजादेश गुरुमतो अनृच्छ इति आम प्राप्नोति, ये शोष में कि ई को गुण करोगे ये हो जाएगा, उ को गुण करोगे वो हो जाएगा, वो इजादी हो गया तो गुरुमान भी हो गया, तो अंडर सूत्र के द्वारा आम होना चाहिए। सन्निपात लक्षण विधि अनिमित्तम तद विघात से न दोषो भवती, तब का सन्निपात विधि जो है अनिमित्तम तद विघात से, तो गुण आपने किस आधार पर किया था, लिट आर्धा तो लिट के आधार पर गुण किया, और ये आम करो तो क्या होगा, वो लिट ही गायब हो जाएगा। आम सूत्र आएगा आम लेर लुक सात लिट को लुक कर देगा, स्वनिमित्त विघातक हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। येषि आमी सती लुक् सदि प्रकृति प्रतिसन्निपात से विघात सियात, प्रकृति प्रतिसन्निपात का जो संबंध था उसी का विघात हो जाएगा। उष विदयति विकल्प्य इति विकल्प ओषाचक्रतु ऊषतुरीत्याद सवकाश इति ओषति नित्यम आम प्रसज्येत, अन्यत्र तो विकल्प था ही, उषविद जागरी सूत्र है ना, विकल्प कर ही रहा था, इसलिए वो दृष्टांत नहीं लिया भाष्यकार ने, एक वचन का दृष्टांत दिया, द्विवचन बहुवचन का दृष्टांत नहीं लिया है। प्रतिपदि विधेस्तु बलवत्ता प्रत्याच अत्रापि विकल्पेन भाव्यमिति अनुधारणमेतत्, और प्रतिपद विधि होने के कारण से बलवान है और पर है, अतएव विकल्प के द्वारा अवश्य हो रहा था, इसे मान करके उनको उदाहरण के रूप में नहीं लिया किंतु एक वचन को लिया। गुरुमत इति नित्य योगे मतु आश्रयणादपि शक्यो अत्र आम अभाव प्रतिपादयितुम, यदि भी यहाँ पर आम का अभाव बोल सकते हैं आप, कैसे, इजामत इजादेश गुरुमतो नृत्य सूत्र में जो गुरुमत है ना वो गुरु कौन सा होना चाहिए, मतु प्रत्यय है ना, मतु प्रत्यय को नित्य योग में करो, अतिशयादि अर्थ में नहीं करो, छह अर्थ में होता है मतु, उसे नित्य योग में जब करूँगा, नित्य योग का मतलब क्या, उपदेश, और ये क्या है, इषधातु था उषधातु था लाक्षणिक है, इसे यहाँ पर प्राप्ति नहीं होगा, हम ऐसा भी हम जवाब दे सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। एक और अब परिभाषा पर अनेक दोष देगा,
पूर्व पक्षी के वास्तव इन परिभाषाओं की कोई जरूरत नहीं है। ये जो अंतिम तीन प्रयोजन बता रहे हो, इन प्रयोजनों में भी हम विकल्प टीकाकार ने विकल्प दे दिया, भले खंडन भाषिक नहीं दिया लेकिन टीकाकार ने दे दिया सब समाधान। इसके संपात परिभाषा के बिना भी यहाँ काम हो सकता है। जैसे आचार्य में क्या कर दिया, तप प्रकरण से हो जाएगा, यहाँ पर का गुरुमत में औपदेशिक हो जाएगा नित्य योग में मत मान लेंगे तो। और उसके पहले वाले में क्या था, संख्या प्रसवार्थम और प्रत्यार्थम और बहुरी अर्थम नांत आ चुका है, अतः वह भी औपदेशिक नहीं लिया जा सकता। अतः सभी अति व्याप्ति है, यहाँ पर भी संवाद परिभाषा के प्रयोजन के टीका में एक तरह से खंडन कर दिया है। अतः सारे प्रयोजन एक तरह से खंडन हो गया। इतना ही नहीं, कहते हैं वास्तविक परिभाषा से कई जगह आपत्ति भी है, कई रूप बिगड़ जाएंगे परिभाषा बना रहेगा तो, रूप होने नहीं देगा, किन रूपों को होने नहीं देगा, कहाँ कहाँ दोष है। कहते सुनो, दूषण वार्तिकम तस्य दोषो वर्णाश्रय प्रत्यय वर्ण विचालस्य, तस्य दोष तसीत से लक्षण से मैंने परिभाषाया, ये जो परिभाषा का अंदर बहुत भारी दोष है। क्या दोष है, वर्णाश्रय दोष है, प्रत्यय दोष है, और वर्णाश्रय का मतलब क्या प्रत्ययो, और वर्ण विचालस्य अनिमित्तम स्याद, वर्ण विचाल मैंने वर्ण का नाश या वर्ण का स्थान में हुआ जो कार्य के प्रति निमित्त नहीं रह जाएगा, अनिमित्तम स्याद अनिमित्त हो जाएगा। क्वा दृष्टांत कहाँ है, अत ई दृष्टांत लिया, अत ई दाक्षी प्लाक्षी, यार अदंत तत्पाद अपने ई प्रत्यय किया और ई प्रत्यय क्या करेगा, अदंत को ही खा जाएगा, असल यशिच स्लोप कर देगा। फिर यहाँ भी सनिपात पर वैसा लगा दोगे तो दाक्षी रूप ही नहीं बनेगा ना, यह आपत्ति। प्रयोगे व्यवस्थित सेव इकारस्य अनुवाख्यानम अनेन क्रियते इति सनिपात लक्षणत्वं प्रत्यस्य संभाव्यते। यहाँ प्रयोग काल में व्यवस्थित सेव इकारस्य, प्रयोग काल में हम क्या देख रहे हैं, इकारांत ही प्रयोग होता है, दाक्षी प्लाक्षी करके प्रयोग होता है, अतएव अनुवाख्यानम अनेन क्रियते, उसी का अनुवाख्यान यहाँ पर हम कर रहे हैं। इति सन्निपात लक्षणत्वं प्रत्यस्य संभाव्यते, सन्निपात लक्षण जो यहाँ पर भी प्रत्यय के प्रति संभावित था वह न हो इसलिए आपको परिभाषा को त्याग दो ताकि रूप सिद्ध हो सके। न प्रत्यय सन्निपात लक्षण, तब सिद्धांत एकदेशी ने कहा अरे प्रत्यय को लेकर सन्निपात लक्षण नहीं बोलना चाहिए, ई प्रत्यय है ना, यहाँ पर प्रत्येक को लेकर सन्निपात लक्षण मत बोलो। क्यों, देखो यहाँ आ रहा है वो बात पूर्व में भी आता है, स्पष्ट बोल रहे प्रदीप, देखिए कल्पित प्रकृति प्रतिविभागेन, के प्रकृति प्रतिविभाग जो है ना कल्पित है, शास्त्रीय नहीं है। अनुवाख्यानात् प्रकृतेर अविद्यमान एव प्रत्यय, प्रकृति से अविद्यमान प्रत्यय का ही उत्पद्यते, विद्यमान नहीं है पहले से, पूर्व में विद्यमान नहीं था, अविद्यमान को उत्पन्न किया या शास्त्र ने, इत्याशय। तब पूर्व पक्षी कहेगा नहीं नहीं फिर भी दोष आएगा, अंग संज्ञा तरी अनिमित्तम स्यात् इति, तो समस्या क्या होगी, अंग संज्ञा, यही जो है दक्ष का अंग संज्ञा करेंगे ना कि अदंत अंग से पर में ई प्रत्यय हुआ, ई प्रत्यय के प्रत्यय तो अंग संज्ञा होगी, अंग संज्ञा होगा तभी ऐसे इच्छा से अकार का लोप होगा, है कि नहीं, वह अंग संज्ञा ही नहीं होगा क्योंकि आपने कहा ई प्रत्यय निमित्त तक नहीं हो सकता, ई प्रत्यय निमित्त नहीं हो सकता तो क्या होगा, ई को प्रत्यय आप अलग मान लिया, अविद्यमान का आया हुआ है अलौकिक मान लिया, फिर तन्निमित्त अंग संज्ञा ही नहीं होगी, जब अंग संज्ञा नहीं होगी अलोप ही नहीं होगा, अलोप नहीं होगा तो दाक्षी रूप सिद्ध नहीं होगा, फिर भी सन्निपात परिभाषा से परेशानी आएगी। पूर्व पक्षी कहता है अंग संज्ञा तरी अनिमित्तम स्यात्, मैंने अंग संज्ञा के प्रति ई प्रत्यय अनिमित्त हो जाएगा, ये उनका कहना है। प्रदीपा सत्यम अंग संज्ञा या अकार लोप, अंग संज्ञा करने पर ही अकार का लोप हो सकता है, शायद आनंतरी विघात, तब आनंतरी के विघात भी आप दोष दे सकते हो। तत्र वर्ण विचार से अनियमितम सियादिति अंग संज्ञा द्वारे नीति, वर्ण का लोप होना या वर्ण के सन कोई आदेश होना यहाँ पर जो बात है वो अंग संज्ञा द्वारा ही दृष्टांत समझना। अत्र केचित, यहाँ कुछ लोगों का कहना है वर्णाश्रय की व्याचक्षत है, वर्णाश्रय की व्याख्या वो करते दूसरे ढंग से, क्या करते हैं तेन आत्रेयादि उपी उदाहरण, आत्रेय लिया अत्रेय अपत्यम आत्रेय ढक प्रत्यय करके जो बना है वहाँ पर भी ढक में यही आदेश हो गया, अत्रि के इकार का लोप वहाँ पर दृष्टांत लिया तभी आत्रेय बने आदिवृद्धि होकर के, इसे वर्ण आश्रित कार्य के लिए उन्होंने दृष्टांत बनाया।
और यहाँ पर क्या करें प्रत्याश्रित कार्य को लेकर दृष्टांत बनाया भाष्यकार ने, ऐसे मतभेद है दोनों का। अन्य तो लोगों ने क्या कहा, दूसरों ने तो पाठ भेद कर दिया, तस्य दोषो अवर्णाश्रय करके पच्छेद कर दिया। अन्य तो अवर्णाश्रय इति अकार प्रश्लेषण माहो, अकार का प्रश्लेषण का समाधान देना चाहते हैं। एक और दोष दे रहा है, आत्म पुग विदेहे क्रापयति, आत्म पुग विदेहे क्रापयति, आत्म पुग विधि के प्रति अनिमित्त आत्मनिमित्त नहीं बन पाएगा, दोष आएगा। कहाँ क्रापयति रूप में, वह मैंने क्रापयति थी, क्रापयति हुआ क्या है, निच हुआ, वृद्धि हुई, कृतायाम आत्म निचि वृद्धो कृतायाम आत्म पुकौ न निमित्तम स्याद, पुक के प्रति निमित्त नहीं रह जाएगा। कौन सूत्र है, क्रिंग जी नाम नौ, ये सूत्र है इति, उससे आत्म हो रहा है। पुक कौन कर रहा था, अर्थी रिप्ली रिक नुक्षमा आता पुंग नौ, सूत्र से पुक हो रहा था। अब यहाँ पर कहते हैं कि निचि वृद्ध हो कृतम आत्म आत्म कर दिया, वह आत्म अपुक के प्रति निमित्त नहीं बन पाएगा, संपात परमेश्वर रोक देगा। क्यों, आत्म करने के बाद में आत्म और निच कैसे थे, अव्यवहित थे, निपर में वृद्धि हुआ नी निमित्त आत्म किया, नी और आत्म का बीच में अव्यवधान है, उस अव्यवधान को पुक अंदर बीच घुस गया, व्यवधान हो जाएगा। ऐसे में आप क्या कहते हो, संपात परमेश्वर क्या बोलेगा, अव्यवधान को नाश न होवे, इसलिए पुक आगम के प्रति आत्मनिमित्त ही नहीं बन पाएगा, यह आपत्ति है। यदि ऐसा सिंपात पर ऐसा लगा दोगे पुक आगम नहीं होगा तो क्राप यति रूप ही नहीं बनेगा, क्रा ये रूप बन जाए, उल्टा गड़बड़ रूप बनेगा, ये पूर्व पक्ष कहता है। अंग से यह आकार तस्य पुक इति अवयव भक्तम पुकम मत्वा दोष उपन्यास, अंग का अवयभूत जो आकार है उसका भी अवयव हो जाता है पुक, उसका अवयव होने से उस आकार और निच के बीच में पुक आकर के जो अव्यवधान था, जो जो आपका असन्निपात था, वह भेद हो जाएगा। इसीलिए व्यवधान न हो गए अत पुक आगम नहीं करेंगे, या पत्तियों की सन्निपात परिवर्तन रोक देगा। पुक ह्रस्वत्व से आदि दपत कहते, देखो एक और दृष्टांत है, दोष यहाँ भी आएगा। पुक जो है ह्रस्वत्व से अनिमित्तम स्यात, पुक जो आगम हुआ वह ह्रस्वत्व के प्रति निमित्त नहीं बन पाएगा। क्वा कहाँ अधिदपत दृष्टांत दिया, अधिदपत यहाँ पर हुआ क्या है, नी हुआ, दा धातु था, दा धातु था, नी हुआ, चंग हुआ, चंग लेकर के नौ चंग उदाया ह्रस्व हो गया, होना चाहिए ना, आदंत से पुक आगम कर दोगे, क्योंकि पुक ह्रस्वत्व से अधिदपत जो बनेगा, अधिदपत नहीं बनेगा, आद दशा में पुक आगम कर देंगे यदि, नौ चंग उपदा या ह्रस्व करेगा ना, उपदा को ह्रस्व करेगा, पुक आगम की में तो उपदा कहाँ है, धा धातु है, नहीं है समझ में आई, दा धातु को पुक आगम करेंगे तो दाप बनेगा, दाप ना, दाप बनने पर ये सूत्र लगा, नौ चंग उपदा या ह्रस्व, निज निमित्त चंग के परते उपदा को ह्रस्व करेगा, है ना, आ हो जाएगा, दप बनेगा। पूर्व पक्षी का कहना है ये जो पुक है किसकी वजह से हुई थी, आत्म के वजह से, और वह पुक क्या किया अंत में, उस आत्म में उपधात्व लाया, उपधात्व लाकर उसका नाश कर दिया, ह्रस्व कर दिया। यदि उपधात्व नहीं लाएगा पुक, पुक नहीं होगा तो उपधात्व नहीं, उपधात्व नहीं तो ह्रस्व नहीं हो रहा था, नहीं समझ में, इसीलिए कहते हैं कि देखो यहाँ पुक का जो है ह्रस्व के प्रति अनिमित मानना पड़ेगा, शनिपात परिभाषा रोक देगा, यह आपत्ति होगी, सन्निपात परिभाषा फिर रूप नहीं बनेगा, अधितपत रूप बनाना इष्ट है, इसलिए सन्निपात परिभाषा को त्याग दो तो रूप बन जाएगा, ये कहता है। इतना ही नहीं, एक और दोष है, तेदाद्यकारष्टाभिदेहे, तेदादि नाम सुसाकार करते हो ना, तेदादि नाम अह, वो अत्व क्या करेगा, आजाद स्टाप से टाप कर देगा, विनाशक होगी नहीं होगा, स्व का नाशक बन गया वो, ये कह रहे हैं त्यदाद्यकार टाविधेर अनिमित्तम स्यात्, त्यदादि का द्वारा विहित जो आकार है वो टाविधि के प्रति अनिमित्त मानना पड़ जाएगा। कहाँ, जिस दृष्टांत यासा इत्यादि रूपों में, यासा इत्यादि रूप में। इतना ही नहीं, एक और दोष, इड विधिर आकार लोपस्य पपिवान ये ईवान, हाँ कहीं पपिवान पाठ है कहीं यही वान पाठ है, कोई भी पाठ हो चलेगा। इड विधिर आकार लोपस्य,
इट विधि आकार लोप के प्रति क्या होगा, सन्निपात होकर के अनिमित बन जाएगा। दृष्टांत कहाँ है, ये ईवान, पपीवान, तस्थिवान इत्यादि रूप है। भाष्य इतना कर इट विधि आकार लोप से अनिमित्तम से इट विधि आकार लोप के प्रति अनिमित होने लग जाएगा। कहाँ, पपीवान तस्थिवान इत्यादि रूप में। हुआ क्या है, आतोलोप इटीच, पहले इन सब जगहों में लिट के लकार के स्थान में कोसु आदेश हो गया, कोसु का वस बचा, पापा धातु है, पापा वसु का वस है, इट्टा गम गया, पप्पा ईवस हो गया। अब वो इट जो है हुआ है वो क्या करेगा, पा के आकलोप कर देगा। वह इट इसीलिए आलोप के प्रति निमित्त नहीं हो सकता, इट हुआ ही आदम तत्व, इट होता ही नहीं। पा धातु से आर धातु तत्व आ गया, उस वह को इट क्यों हुआ है, आदम तत्व देव ही हुआ है, और वह अपने ही निमित्त को नाश कर दिया, आका ही लोप कर देगा, ये उचित नहीं है, शनिपात परिभाषा रोक देगा वो। वसवे का घसाम सूत्र है ना, वसु एकाच आदम घसा, इतने का लोप करता है, एकाच धातु है ये, इनसे क्या हुआ, इति आकारांत लक्ष्य इट हुआ, आकारांत तत्व निमित्त मानकर आदम तत्व इट हुआ, और इट क्या कर दिया, अपना ही निमित्त आदंत का लोप के प्रति निमित्त हो जाएगा। आतलोप इटिच सूत्र से इष्ट नहीं है, इति नीचे दिया है वो उद्योतकार ने सूत्र, वस्वे काजात घसामिति आकारांत लक्षण इट है, आकारांत निमित्तक इट है, आकारांत तत्वाद इट हुआ था, और इट क्या कर दिया, वो निमित्त नहीं हो सकता, सन्निपात परिभाषा के अनुसार इनरो लोप होता है, इसे सन्निपात परिभाषा को त्याग देना। एक और दोष दे रहे दूसरे वार दिखे, मतु विभक्ति उदात तत्व पूर्व निघात से, मतु विभक्ति उदात तत्व पूर्व निघात से अनिमित्तम स्यात्। मतुप और विभक्ति उदात हो रहा है, मतुप स्वर से प्रत्यय स्वर से क्या हो रहा है, उदात है, वो क्या करता है, शेष को निघात करता है ना, अनुदातम पदम एक वर्जम, एक को उदात करके बाकी सबको अनुदात कर देगा। इन समस्या क्या है, यहाँ पर मतुप जो प्रत्यय हुआ किससे हुआ, यहाँ दृष्टांत क्या है, अग्निमान, मतुप प्रत्यय कौन सूत्र कर रहा है, मतुप जो जो कर रहा है सूत्र, यहाँ पर रसोनुभ्यम मतुप सूत्र है, वो सूत्र कहाँ कर रहा है, जो रस्वांत अग्नि है उससे मतुप किया, और रस्वांत अग्नि शब्द कैसा है, स्वयं उदात्तांत है, समासस्य अंतोदात्ता, परमवाचा में परम शब्द का वाक शब्द का समास हुआ, परम वाक शब्द बना, वह परम वाक शब्द का वाक आकार क्या हो गया, समास से अंतोदात्त हो गया, और उदात्त पर आपने जो आप विभक्ति लाया ता या परवाचे ये ता या ये जो विभक्ति है वो उदात्त कैसे हुआ, क्योंकि सूत्र है आपका अंतोदात्ता उत्तर पदात अन्यत्र श्याम अनित्य समास, ये सूत्र है, उस सूत्र ने क्या कर दिया, अंतोदात से पर में होने के कारण से विभक्ति को उदात कर दिया, और वो जो उदात ने क्या हो गया, अनुदात में एक पदम वर्जम के आधार पर अपने ही निमित्त जो उदात तो उसका नाश कर रहा है, इसे सन्निपात परिभाषा रोक देगा, होने नहीं देगा। एवं अग्निमत में भी क्या है, ह्रस्व नृढ़ मतुप, जो मतुप हुआ ये जो मत पूर्व उदात्तम आश्रित, पूर्व में अग्नि में जो उदात है उसको आश्रित मतुप उदात्तम क्रियमाणम, मतुप का उदात करते हैं, पूर्व से निघातम न कुर्यात, वो फिर पूर्व को क्या कर देगा, विद्यमान अग्नि में जो उदात था उसको नष्ट करके अनुदात कर देगा। ये प्रदीप में क्या है, पूर्वम उदात्तम आश्रित मतुप उदात्तम, मतुप को अपने उदात किया था, और क्रियमाण पूर्व से निघातम न कुर्यात, क्योंकि परम वाचय थी अंतोदात्तर पदाधि सूत्र देखो इति विभक्ति उदात्तम विधीयमान पूर्ण निघात से अनिमित्तम सियात, पूर्ण निघात अनिघात के प्रति अनिमित्त होने लगेगा। नदी रसोत्तम संबुद्धि लोपस्य, एक और दोष दे रहा है, नदी संज्ञा वालों के रस्वत के प्रति संबुद्धि लोपस्य, नदी संज्ञा क्या होता है, अंबारता नदी और रस्व संबुद्धि में क्या हो जाएगा, रस हो जाता है और लोप होने लग जाएगा, संबुद्धि लोपस्य अनिमित्तम सियात, अनिमित्त नहीं होना चाहिए। वह कहाँ दृष्टांत कहाँ है, नदी कुमारी ब्राह्मणी किशोरी ब्रह्मबंधु इति अनेकों दृष्टांत दे दिया। ह्रस्वत्व कृते ह्रस्व करने के बाद आपने एंग ह्रस्वा संबुद्धे ये संबुद्धि लोपो न प्राप्त होती, कि आपने पहले क्या किया, अम्बार तद्य ह्रस्व से ह्रस्व किया, कब करते वो संबुद्धि के पर रहते हुए,
समृद्धि का पर रहते हुए अंबार तरह रस से ह्रस्व किया और वह ह्रस्व करने से क्या हुआ, समृद्धि को लोप कर दिया। सन्निपात परिभाषा रोकना चाहिए, फिर तो रूप नहीं बनेगा। अतएव सन्निपात परिभाषा को रखना ठीक नहीं, त्याग दो, ये पूर्व पक्षी कहता है। दूषण बाधक भाष, तब खंडन के हुए सिद्धांति कहते हैं माँ भूदेवम ज्ञंतात इत्येवं भविष्यति। कहते ऐसा नहीं है, कहते ज्ञंतात है, वहाँ पर कहा है ज्ञंतात, हाँ अलगा पे दीर्घात, वहाँ पर भी दीर्घ ज्ञंत लिया, दीर्घ ज्ञंत लिया है, इसीलिए ज्ञंतात इत्येवं एव भविष्यति, उसी से ही होगा। हमने यहाँ एक रसा संबुद्धि से संबुद्धि का लोप नहीं किया, हमने सु का लोप किया, संबुद्धि संज्ञा वाला नहीं है, संबुद्धि संज्ञा को प्रयोग करके लोप इस सूत्र से होता है, इंग्रसवा संबुद्धि से, इससे लोप ही मत करो, हल्क्या भी तेरे सूत्र प्रथम से लोप कर दो। हल्क्यादि सूत्र है दीर्घ ग्रहणम अदृष्ट इदम उच्यते, हल्क्यादि सूत्र में जो दीर्घ ग्रहण किया उसे न देखने वाला कोई मूर्ख उसका प्रयोजन को न समझते हुए ये शंका यहाँ पर किया है। तद कृत्य भी रसवत्व स्थानीय भाव भविष्य भाव, क्योंकि रसव करने के बावजूद भी वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थानीय भाव से उसका दीर्घ गीप ही दिखेगा, तो उस सूत्र से सुख का लोप हो जाएगा। अरे फिर ब्रह्मबंधु में क्या करोगे, वहाँ तो दीर्घ गीप नहीं है ना। अंतिम दृष्टांत यहाँ चारों में ठीक है, नदी कुमारी ब्राह्मणी किशोरी, यहाँ तो ठीक है, ब्रह्मबंधु में कैसे इकट्ठा होगे। तब कहते ब्रह्मबंधु शब्द अपेक्षा अच्छा नहीं तो दुच्छते, ये जो हम सिद्धांत समाधान दे रहा है अंतिम शब्द को छोड़ के, तस्य अज्ञापनत्वादि, क्योंकि अज्ञंत भी नहीं है आबंत भी नहीं है वो, इसे उसे छोड़ के अन्य के लिए समाधान दे रहा हूँ। तब दोष देने वाला कहता है तब भी सिद्ध नहीं होगा, न सिद्धति दीर्घादित्युच्यते ह्रस्वांताच्च न प्राप्नोति, दीर्घात कहने के कारण से ह्रस्व करने के बाद उस सूत्र की प्राप्ति नहीं होगी। आपने कहा स्थानीय भाव से कर लूँगा, हैं कहते नहीं हो सकता, इदम यह संप्रधार्यम, यहाँ पर निश्चय कर लेना चाहिए निश्चय, क्या ह्रस्वत्वं क्रियतां संबुद्धि लोपयति, ह्रस्व करो और समुद्धि लोप करो, यही निश्चय होता है। कौन सा करना पहले, किमत्र कर्तव्य, क्या करना चाहिए पहले, नहीं तो पहले भी हम समुद्धि लोप कर सकते थे ना, सुख का लोप पहले भी, जब ह्रस्व करने से पहले भी हम हल्के पे रसमन लगा सकते थे, सुख का लोप कर सकते थे, और प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण के आधार पर बाद में ह्रस्व भी कर सकता हूँ, तो कौन पहले करूँ, ये निश्चय करो भाई, इदम यह संप्रधार्यम तब किमत्र कर्तव्यम। एक देशी ने पूछा तब पूर्व पक्ष परत्ताद ह्रस्वत्वम, परत्ताद ह्रस्व करना पड़ेगा। तब दूषण को बाधने वाला सिद्धांत एक देशी कहता है नहीं नहीं परत्ताद ह्रस्व तो नहीं कर सकते आप, नित्य संबुद्धि लोप, कि संबुद्धि लोप तो नित्य है ना, ह्रस्व करो ना करो उभय दशा में लोप होना ही है उसने, इसे परत्ताद नित्य क्या होता है और बलवान होता है, अतः पहले संबुद्धि लोप करना चाहिए। ये कहा कृते ह्रस्वत्व प्राप्त अकृते पी, ह्रस्व करो न करो उभय दशा में संबुद्धि लोप प्राप्त होता ही है। इस पर प्रदीप है कार्यम तावत नित्यम तद ये न केनचित लक्षण ये भवतु इति भाव, कि कार्य तो नित्य ही है, मैंने लोपात्मक कार्य तो नित्य है, चाहे आप हल्के आदि पे से लोप करो चाहे एक ह्रस्व समुद्र से लोप करो, लोपात्मक कार्य तो नित्य है। संबुद्धि लोप से अवकाश हे देवदत्त इति, कि दोनों सावकाश अन्यत्र अन्यत्र, एक ह्रस्व संबुद्धि का सावकाश कहाँ है, हे देवदत्त हे राम इत्यादि में सावकाश हो चुका है, और ये भी आपका ना अंबार तरत्य रस का रस करके जो लोप है हल्किया भी उसका भी अन्यत्र सावकाश है, दोनों सावकाश वस्तु हैं। इसे परत्वाद आप कहना चाहते हो तब पर के बस नित्य को लेकर हमने कर दिया। तब पूर्व पक्ष कहते नहीं नहीं अनित्य संबुद्धि लोप, संबुद्धि लोप अनित्य ही है, नित्य नहीं होगा वो, क्यों अनित्य है, नहीं कृत्य रसोत्य प्राप्त, रस्व करने के बाद प्राप्त नहीं होगा, रस्व कर क्यों नहीं प्राप्त होगा, अरे एक रसा समुद्र कर लूंगा ना रस्व करने के बाद, तब भी नहीं होगा। सन्निपात लक्षण भीतर निमित्तम दिघात सीति, वहाँ पर सिद्धांत एक दिशे अपना पूर्व पक्षी दूषण साधक पूर्व पक्षी कहता है वहाँ पर आपकी परिभाषा कर रोक देगा ना, रस्व करने के बाद में आपकी परिभाषा अगर आप स्वनिमित्त को नाश ना करें, इसलिए परिभाषा त्यागना उचित है। यदि लोप करना नित्य बनाना चाहते हो तो संबुद्धि लोप को नित्य सिद्ध करना है तो सन्निपात परिभाषा को त्यागना पड़ेगा, ये पूर्व पक्ष कहता है। एते दोषा समा भूयांशो वा, ये सब दोष समा है, भूयांशो वा इसे अधिक भी दोष हो सकते हैं, तस्मात
नार्तवनया परिभाषिया, इसलिए इस परिभाषा को रखने का कोई प्रयोजन हमें दिखता ही नहीं है, ऐसे पूर्व पक्ष ने अपनी बात को उपसंहार कर दिया। भूयांश वायति दुष्टत्व प्रतिपादनाय प्रकर्ष आरोप, दुष्टत्व का प्रतिपादन करने के लिए प्रकर्ष कथन कर रहा है, कहते भूयांश कह दिया। इसे कहते देखो सर्वादिशु समशब्द से सर्वपर्याय से सर्वनाम संज्ञा विधानात् तुल्यवाचिन अत्र समाहित प्रयोग, यहाँ लेना तुल्यवाची लेना, यहाँ पे सर्वाधिकरण वाला समवाय शब्द जो है वह जो है सर्व अर्थ में, यहाँ पर हम क्या अर्थ में ले रहे, तुल्य अर्थ में लेना है। इति प्रयोग अस्ति समशब्द सर्वपर्याय, और समशब्द का सर्वपर्याय भी प्रयोग होता है, यथा समराज्यम वर्तते, मैंने सर्वेशम राज्यम वर्तते इत्यर्थ हो। वेद में भी समशब्द का सर्वर्थ में प्रयोग हुआ, कहाँ, मान समस्य ढूढ्य इति प्रयोग, ऋग्वेदीय मंत्र है 8.75.9, सर्वस्य दुर्धियो मान इत्यर्थ, इसका अर्थ स्वयं वहाँ पर निरुत्कार ने किया, मान सर्वस्य अर्थ किया, समस्य का अर्थ सर्वस्य, दुर्ध्य की दुर्ध्य का अर्थ कर दिया दुर्ध्य, हम सब का न सर्वस्य दुर्ध्य मा न भूत, ऐसा न होवे, यह तो निरुत्कार ने इस मंत्र का किया है, सर्व सर्वस्य दुर्ध्यो मा न इत्यर्थ निरुत्कारेण, तत्र प्रयोजन नाम अल्पत्वात् तान्य उपसंख्यात व्यानि इत्यर्थ, इसे प्रयोजन अल्प है दोष ज्यादा है, पूर्व पक्ष कहता है प्रयोजन अत्यल्प है दोष तो बहुत सारा है, इसलिए इस परिभाषा को त्यागना ही उचित है। तब सिद्धांत समाधान भाषा कहते हैं नहीं नहीं भाई, नहीं दोषा संति परिभाषा न कर्तव्या लक्षणम व न प्रणेयमिति, दोष है इसलिए परिभाषा नहीं करना चाहिए, या अमुक सूत्र में अमुक दोष है इसे सूत्र को ही नहीं करना चाहिए, ऐसा मत बोलो, क्योंकि हम और तुम क्या वात्स्यायन महर्षि काम सूत्रकार ने अपने दूसरे सूत्र में बात लिख दी है, क्या लिखा उन्होंने, नहीं भिक्षुका संतीति स्थाल्योन्नादि श्रीयंदे न च मृगा संतीति यवानोप्यन्ते, काम सूत्र का दूसरा सूत्र है, भाष्यकार उसको ले रहे, कहते भिक्षु कहा जाएंगे रोटी मांगने लेंगे भोजन मांगेंगे, इसलिए अच्छा है हम रोटी पकाएंगे ही नहीं, स्थाली को बर्तन को चूल्हे पर चढ़ाएंगे ही नहीं, मैंने पकाएंगे ही नहीं, आएगा कोई तो कहेंगे हमारे कुछ पक देने जाओ, ऐसा कोई सोचता है क्या, अपने खाने के लिए तो बनाएगा ही, इस संसार में भिक्षुकों का डर से घर में कोई रोटी नहीं पकाएगा ऐसा नहीं होता, इसी प्रकार से अरे बहुत सारी चिड़िया आएंगे सारा खेत खा जाएंगे क्या फायदा मेरा मेहनत करने का, यूं सोच करके बीज ही नहीं बोएगा क्या, बोते जरूर है, वही नीति को इस्तेमाल करो यहाँ पर भी, काम वासना के लिए भाई ये सोचे हैं अगर स्त्री को मैं देख लूंगा तो मेरी काम वासना जग जाएगी, यूं सोच कर कोई घर के अंदर बंद थोड़ा बैठा रहेगा, तो व्यवहार तो करेगा ही, शौच करने जाएगा लघु संघा करने जाएगा ही, काम वासना तो स्वप्न में भी जग सकती है, महाभारत में कहा काम वासना तो कहां तक बचोगी तुम दुनिया से, स्वप्न से बच सकोगे, स्वप्न में भी जग सकती है, इसीलिए काम वासना से भागो मत, डरो मत, जैसे भिक्षुक से डरना नहीं, चिड़ियों से डरना नहीं, लोग फिर भी काम करते हैं, इसी प्रकार से शादी करने से डरना नहीं, करो भोग करो, काम वासना से डरना नहीं, काम करो भोग करो, दोषाखल्वपि साकल्येन परिगणिताः, भाई दोष जितने भी होंगे आप उनकी गणना कर सकते हो, और प्रत्येक दोष का हम समाधान भी निकाल सकते, प्रयोजन नाम उदाहरण मात्र, और जो हमने प्रयोजन गिनाया है वो उदाहरण मात्र के लिए, प्रयोजन तो अनंत है, कुति तत्त पूर्व पक्षी कह गए कैसा हो सकता है, नहीं दोषा नाम लक्षणम अस्ति तस्माद यानी एतस्या परिभाषा प्रयोजनानि तदर्थम ऐसा परिभाषा कर्तव्य प्रतिविधेयंच दोषेषु, कहते इसलिए देखो भाई यानी एतस्या परिभाषा प्रयोजनानि, इन इस परिभाषा का प्रयोजन जो जो हमने दिखाया है और भी उनके जैसे जितने भी रूप हैं उनके लिए तो परिभाषा स्वीकार करना ही चाहिए, और रही बात अदर्थ हमेशा परिभाषा कर्तव्य, रही बात दोष
प्रतिविधेयम दोषेषु, दोषों में जो जहाँ बात जाती है वहाँ पर कह देना भाई परिभाषा या प्रवृत्त नहीं होगी। क्यों नहीं प्रवृत्त होगी? कोई ना कोई ज्ञापक दिखा दो। जैसे कष्टाय क्रमणे, कष्ट शब्द से गैर यह किया आपने, गैर यह का यह क्या है? सुपिच से दीर्घ करा दिया, स्वनिमित का विघातक हो गया, तब अगर यहाँ से परिभाषा नहीं लागू होना चाहिए, वहाँ लागू, वहाँ परिभाषा प्रवृत्त होगा ही नहीं। क्यों? कष्टाय क्रमणे पाणि ने प्रयोग किया। इस प्रकार से पाणिनि का प्रयोग, वार्तिकार का प्रयोग, वैदिक मंत्र, कोई ना कोई ज्ञापक को लेकर के इन सब दोषों को प्रतिविधान कर लेना चाहिए। इस प्रकार से कृण्वे जंत पर विचार पूरा होता है। प्रदीप देखिए, तत्र विधान सामर्थ्याद आंगो वर्ण विचालो भविष्यति। पहला दोष को दूर कर देखिए। पहले में क्या कहता है इसने? सन्निपात परिभाषा मानोगे, वर्ण लोप जो दिया, अकार लोप, दाक्षी वगैरह दिया तो प्लाक्षी, तो वहाँ पर विधान सामर्थ्यात वर्ण का लोप होगा, वहाँ सन्निपात परिभाषा प्रवृत्त नहीं होगा। पहला हेतु दिया विधान सामर्थ्यात आंगो वर्ण विचालो भविष्यति। अंग निमित्तक जो वर्ण का विकार है, लोपात्मक हो, नाशात्मक हो या अन्य हो, वो होगा ही। कैसे ज्ञापन हुआ? कष्टायति। कष्टा में क्या है? सुपिच से दीर्घ, अंगकारी है। इति ज्ञापकात यह शब्द है, ऐसे पच्चीस करो, ज्ञापकात यह शब्द परे, कष्टा में क्या यह है ना, गैर को यह हुआ, यह शब्द परे दीर्घो भविष्यति ज्ञापकात। ज्ञापक से ज्ञापन क्या हो रहा है? हमेशा ज्ञापन क्या है? सदृश में ही होता है। सादृश्य ज्ञापन क्या है? यह शब्द के परते हुए सर्वत्र कष्टाय क्रमण के आधार पर दीर्घ हो जाएगा, एक ज्ञापन हो जाएगा। और वहाँ पर जो है तथादिनामा के लिए न यास यो सूत्र बनाया पाणिनि ने, यास यो कैसे बने? या ताप क्या कि नहीं किया, इसे वहाँ सन्निपात परिभाषा प्रवृत्त नहीं होता, ज्ञापन हो गया। यदि लिंगाद आप भविष्यति, पाणिनि का प्रयोग ही लिंग है, ये ज्ञापन कर रहा है, तथादिनामा करने के बाद भी ताप होता है स्त्रीवक्षा में। पपीवानी थी, वहाँ पर क्या ज्ञापन है? वसने का जादित अयम नियम इटो न तो अपूर्वयम विधिर इति आकार से लोप सियात। वसने का घसाम जो सूत्र है वो नियम सूत्र है, अपूर्व विधि सूत्र नहीं। नियमन कर रहा है वो आत्म के परे, परे आदंतों से परे इट का विधान जो किया वो नियम विधि है, वो अपूर्व विधि न होने के कारण से यहाँ पर उसका अपलाप नहीं हो रहा है। इटो न तो अपूर्वो अयम विधिर, ये जो इट है अपूर्व विधि नहीं है, वो नियम है। यदि आकार स्वरूप से आकार लोप होने में कोई आपत्ति नहीं है। क्रापति में क्या जवाब है जी? क्रापति आकारांत भक्त पुक न व्यवधाय का, आकारांत जो है का अवयव हो गया पुक, और यदागवश तद्गुणी पूता तदग्रहण न गृहंत, इस परिभाषा के अनुसार वो पुक आ और भर पर में प्रत्यय जो निच है उसका व्यवधायक नहीं होता। आप रेखा ना अव्यवहित था, उसके पुक आकर व्यवधान कर देगा, पुक व्यवधान नहीं करेगा क्योंकि वो आदेश नहीं है या विहित मध्य रूपेण विकर्णादि रूपेण विहित नहीं है, किंतु क्या है? वो आगम है। आगम होने से उसी का अवय हो गया, अवय होने के कारण से उसके ग्रहण करने से वह भी ग्रहण हो जाएगा, मैंने आख ग्रहण करने से आप भी ग्रहण हो जाएगा, अतः पुक व्यवधान नहीं रह जाएगा। अधितपद में फिर क्या जवाब है? इति लिंगाद अधितपद इति लिंगाद ह्रस्व यदयम मारण तोषण इति जानातेर मित्तम उपधारस्वार्थम शास्ति तज्ञापयति पुकी कृते उपधारसम भवति इति। ज्वरादि एक दंडक है उसके लिए बात कही जा, यदयम मारण तोषण इति जानातेर मित्तम उपधारस्वार्थम शास्ति, जा धातु को वह मित्व किया, किया उपदा को रस्व करने के लिए किया, वह ज्ञापयति पुकी कृते, पुक करने के बावजूद भी उपदा रसोत्तम भवती थी। और उसी को चुरादि में भी बोला, दोनों जगह बोला है, मिताम रस्व वहाँ भी कहा है। नहीं जानात्यर अकृते पुकी रस्व भाविनी उपदा भवती, क्योंकि जा धातु में भी पुक किए बिना रस्व को करने के लिए उपदा संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि रस्व करने के लिए क्या होता है? उपधा संज्ञा चाहिए। उपधा संज्ञा कब होगा? आदंत धातुओं का पुक होने पर ही होगा, उसके अंदर होगा ही नहीं है। जब रस्व का विधि किया इसका मतलब है पुक आगम करने पर व्यवधान नहीं माना जाए, ज्ञापन कर दिया। अब अग्निमान में क्या समाधान है?
अग्रिमानिति अनुदात्तम पदम एक वर्जमिति परिभाषा स्वर विषया सन्निपात परिभाषा बाधते हैं। ये जब एक वर्जम सूत्र जो है परिभाषा स्वर विषया सन्निपात परिभाषा बाधते हैं। स्वर विषयक जो सूत्र है या परिभाषा में सूत्र अनुदात्तम पदम एक वर्जम, ये जो सूत्र है हमारे सन्निपात परिभाषा को वहाँ बाध देगा विधि सामर्थ्यात। अब संबुद्धि क्या क्या जवाब है आपके पास? एंग रस्वा इत्यत्रापि गुणात् संबुद्धि रीति को वक्तव्य ह्रस्व गुण सामर्थ्यात सन्निपात परिभाषा अभाव। एंग रस्वा संबुद्धि करने क्या जरूरत थी? एंग माने ये वो हो गया, ह्रस्व माने अयु हो गया, वहाँ पर भी एंग ह्रस्व ह्रस्व से अ को लेकर आपत्ति देना चाह रहे हैं आप, और अ रूपी ह्रस्व को हम गुण में ले लेंगे तो गुणात् संबुद्धि कह देते तो कार्य सिद्ध हो जाता। क्यों? इदंत उदंत में काम है ही नहीं, इदंत में क्या ह्रस्व से गुण हो जाएगा संबुद्धि में, उदंत में ह्रस्व से गुण हो जाएगा, वहाँ लोप तो है नहीं, तो इसलिए वहाँ सूत्र में एंग ह्रस्वात् करके ह्रस्व को पृथक जो ग्रहण किया एंग से अलग, और गुण शब्द का प्रयोग न करके यदि गुण में क्या होता अ भी आ गया ए भी आ गया वो भी आ जाता तीनों आ जाता है, तो गुणा संबुद्धि न कह करके एंग से अलग ह्रस्व शब्द जो प्रयोग किया पाणिनि ने वो ज्ञापन कर रहा है। वक्तव्य ह्रस्व ग्रहण सामर्थ्यात सन्निपात परिभाषा भाव, सन्निपात परिभाषा प्रवृत्त नहीं होता ये ज्ञापन हो गया। दर्वी इत्यत्र छंदसि गुणाभाव पक्षे छांदसो लुक् भविष्यति। दर्वी इत्यत्र छंदसि गुणाभाव पक्षे जसादिषु छंदसि वावचन ये ले रहे, जसादिषु छंदसि वावचन उद्योत्कार दिए हैं, यदि वचनादित्य भाव गुणाभाव पक्षे छांदसो लुक् भविष्य, छांदसो लुक् वहाँ विधान किया गया है। यहाँ ये दूसरे टिप्पणकार करें ये दर्वी इत्यादि वास्तव में त्रुटि से आया हुआ है, ये कहीं दृष्टांत दिया ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया अचानक, वो त्रुटि से हो गया कहते ग्रंथस्त्रुटितो भाष्य ये लिख रहे टिप्पणकार।